आपकी गैर हाजिरी में हमने काफी एनर्जॉन डिपॉजिट्स ढूंढ निकाले हैं लॉर्ड मेगाट्रॉन, जिनमें से ये वाला सबसे बेहतरीन है। आपको जानकर खुशी होगी कि ड्रोन्स बिना रुके वहाँ माइनिंग का काम कर रहे हैं और काफी एनर्जॉन जमा कर चुके हैं। ए सुनो, मेरे लिए एक सैंपल लेकर आओ। स्टार स्क्रीन, मैं लौट आया हूँ, इसलिए सारे हुक्म मैं ही दूंगा। जरूर दीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, आपका वफादार गुलाम होने के नाते क्या मैं उस स्पेस ब्रिज को तैयार करूं जिससे डिसेप्टिकॉन्स की वो फौज यहां आ सके जो आपने स्पेस में पिछले 3 सालों में बनाई होगी? मेरी फौज जरूर आएगी। मुझे एक ऐसी चीज मिली जिससे वो फौज और मजबूत होगी। पूर्वजों के मुताबिक इस मैटर के सॉलिड फॉर्म को यूनिक्रॉन का ब्लड कहते हैं। जान लेवा यूनिक्रॉन, पर कहते हैं कि उसका खून हमारे स्पार्क को बुझा सकता है। ये स्पेस की गहराइयों से लाया गया है। इसकी असली ताकत है डार्क एनर्जॉन। ये भी कहते हैं कि उसमें इतनी ताकत है कि मरे हुए को जिंदा कर दे। तो फिर हमें इसे एक मुर्दे पर परखना होगा। क्या तुम इसके लिए कुर्बानी देना चाहोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। इसे मेरी तरफ से वापसी का तोहफा समझ लीजिए। क्योंकि तुम अब हमारे बारे में जान चुके हो, मुझे डर है कि अब तक डिसेप्टिकॉन्स तुम्हारे बारे में भी जान चुके होंगे। समझ गया, अजीब सी व्हीकल देखते ही पुलिस को कॉल कर देंगे। क्या अब हम जा सकते हैं? जैक, तुम पागल हो गए हो? मेरा बरसों पुराना सपना सच हो रहा है और मैं तुम्हें या किसी और को इसे तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? हमारी निगरानी में रहोगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम तब तक जब तक हमें दुश्मन के इरादों का पता न चल जाए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर इन बच्चों की जान को यहाँ उतना ही खतरा है जितना कहीं और हो सकता है। बच्चे? इन पर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है, अगर हमारे पैर के नीचे आ गए तो ये कुचले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो रैचेट, हमें चौकन्ना रहना होगा। ये क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऊपर कोई है। एजेंट फाउलर है। मुझे लगा था सिर्फ हम ही वो इंसान है जो तुम्हें जानते हैं। स्पेशल एजेंट फाउलर हमें बाहरी दुनिया की जानकारी से जोड़े रखते हैं और वो कभी हमसे यूं ही मिलने नहीं आते। अच्छा होगा कि तुम इस वक्त उनसे ना ही मिलो। सेवन डैमेज कार्स, 34 एक्सीडेंट्स, 3 घंटों तक ट्रैफिक जाम। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी अनजान कंपनी की मोटरसाइकिल और कार को स्पीड लिमिट्स को तोड़ते हुए कई बार पाए जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं। तो इन इल्जामों के बारे में कुछ कहना चाहते हो प्राइम? हमने हालात को काबू में कर लिया है एजेंट फाउलर। वो लौट आए हैं, है ना? अगर तुम डिसेप्टिकॉन्स की बात कर रहे हो तो मुझे शक है कि वो कभी गए ही नहीं थे। तुम्हारा प्लैनेट उनके लिए बहुत कीमती है। फिर तो मुझे पेंटागन को इत्तला करनी होगी। मेरी बात सुनो एजेंट फाउलर, तुम्हारे पास हमसे अच्छा तो क्या, हमारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो डिसेप्टिकॉन्स को रोक सके। ऐसा तुम्हें लगता है? हे एजेंट, पता है उस फ्रीवे पर किसी का कचूमर क्यों नहीं बना? क्योंकि टीम प्राइम जानती है कि अपनी ताकत कब और कितनी इस्तेमाल करनी है। बल्क हेड, मुझे उसकी जरूरत थी। बस करो, मिलिट्री के जुड़ने का नतीजा होगा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। शायद तुम्हें जख्मी इंसानों को देखने की आदत पड़ चुकी है एजेंट फाउलर, पर मैं ये नहीं देख सकता। तो मेहरबानी करके इन सबसे निपटो प्राइम, वरना फिर मुझे ही कुछ करना होगा। ये इंसानों में इतनी अकड़ क्यों होती है? एजेंट फाउलर को अपनी दुनिया की फिक्र हो रही है बल्कहेड, और होनी भी चाहिए।
देखते हैं कि क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी में जान डाल दे। तो ये है आपका प्लान, ऑटोबॉट्स को जिंदा करना ताकि वो हम पर दोबारा हमला कर सके। ये ऑटोबॉट हुआ करता था, अब ये किसी बेअकल जानवर से कम नहीं, इसकी सोच सिर्फ हैवानियत करना जानती है। यही है स्टार स्क्रीम, जो मेरी फौज को अटूट बना देगा। इस हथियार का वार खाली नहीं जाएगा। लेकिन तब जब इसे कंट्रोल करना सीख लूंगा। मुझे यकीन नहीं होता, क्लिफ जंपर का सिग्नल दोबारा ऑनलाइन है। अब ये क्लिफ जंपर कौन है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल कुछ गड़बड़ है, सिस्टम ऐसी गलतियां कर देता है। अगर क्लिफ सच में जिंदा हुआ तो रैचेट सिक बे तैयार करो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। हे, हमें क्या करना है? रैचेट के साथ रहो। ऑटोबॉट्स रोल आउट। सब कहां गायब हो गए? मैंने उन्हें ग्राउंड ब्रिज के जरिए वहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जहां से सिग्नल मिला था। ये ग्राउंड ब्रिज क्या है? स्पेस ब्रिज टेक्नोलॉजी का मिनी वर्जन। क्योंकि अब तक हमारे पास ना ही कोई साधन है और ना ही इतना एनर्जॉन जिससे इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल हो सके। तुम लोग अर्थ पर फंसे हुए हो? हाँ, तुम लोगों के साथ तो फंस ही गया हूँ। फिर भी मेरे बनाए ग्राउंड ब्रिज के जरिए इस प्लेनेट पर कहीं भी पहुंचा जा सकता है। वो, क्या ऐसे इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। तुम्हारा मतलब उसमें जाते ही मैं टोक्यो में अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगी? कुछ ही मिनटों में। क्यों ना मैं तुम्हें इसी वक्त वहां भेज दूं, बल्कि तुम तीनों को। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? एनर्जॉन माइन। देखने से तो लगता है कि डिसेप्टिकॉन्स यहां काफी लंबे अरसे से माइनिंग कर रहे हैं। चलो क्लिफ जंपर को ढूंढते हैं। ये क्या चीज है? टूटी हुई है, छूना मत। कहा ना मत छुओ। यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे हम छू सकते हैं? वो कंप्यूटर्स क्यों इस्तेमाल करते हो जो इंसान करते हैं? मजबूरी में करना पड़ रहा है। यहाँ मिसाइल लॉन्च की सुविधा थी, हमें इस जगह के साथ यही कंप्यूटर्स मिले थे। फिर भी मैं अपने मुताबिक बदलाव करता रहता हूँ। मुझे ये एरर पता है। ओ सच में? तुम जानते हो ना कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का नाम भी सुना है? अब देखो।
मैक्सिमम ओवरड्राइव। ब्लड ऑफ यूनिक्रॉन, कोई तो तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारी गहराई तक जा सकूं और वो ताकत हासिल कर सकूं जो तुम में है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, हम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। ऑप्टिमस, बिल्कुल सही। अपने पुराने दोस्त का स्वागत करने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। फिलहाल यहाँ से चलना होगा। लेकिन मेरा माइंड क्या हुआ सारा एनर्जॉन ऑटोबॉट्स का हो जाएगा। तो फिर माइंड्स को उड़ा दो। वो क्लिप है, मुझे दिख गया। हम तुम्हें कवर करते हैं, जाओ। रहूंगी पार्टनर। प्राइम, रुकने का बहुत मन है पर मैं फटना नहीं। ये जगह फटने वाली है। ऑटोबॉट्स रोल आउट। रैचेट, ब्रिज तैयार करो, हमें वापस ट्रांसपोर्ट होना है अभी। सही समय पर आ गए। क्लिफ जंपर कहाँ है? वो धमाका किसने किया? क्या फाइट हुई? अगली बार मैं भी आ सकती हूँ। देखो, हे हे हे, मिको, चलो देखते हैं कि ऑटोबॉट्स अपने ड्रॉर्स में क्या रखते हैं। ठीक है, चलो। आरसी, बताओ क्या हुआ था? वो क्लिफ नहीं था, कुछ और ही बन गया है वो। उसे म्यूटेट किया गया है उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जिन्हें डिसेप्टिकॉन्स ने जंग में इस्तेमाल किया था। मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया। रोबोट्स को भी चक्कर आते हैं? इन रोबोट्स में जज्बात है। रोबोट्स जो जीते और मरते हैं। ये क्या है? पता नहीं, ये क्लिफ पर लगा हुआ था, ये उसमें से बह रहा था। जाकर डीकंटामिनेशन बाथ ले लो अभी। ऑप्टिमस, माफ करना पर यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहा। हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ की दीवारें रेडियो वेव्स को रोकती है। देखिए, अगर मैंने अपनी मॉम को अभी कॉल नहीं किया तो वो मुझे ढूंढने के लिए पुलिस को भेज देंगी। क्या तुमने कोई कानून तोड़ा है? कर्फ्यू 10 बजे के बाद लगता है। मुझे भी घर चलना चाहिए, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। अजीब रिवाज है। खैर, जो भी हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है।
बल्कहेड, मीको को घर छोड़ दो। ऑसम, मेरे पेरेंट्स इसे देखकर पागल हो जाएंगे। और व्हीकल में ट्रांसफॉर्म होकर कड़ी नजर रखना। असलियत भी छुपानी है, समझ गया। बम्बलबी, तुम रैफ पर नजर रखना। रैचेट, मैं बिजी हूँ। आरसी, तुम जैक के साथ जाओगे। अब भी सर घूम रहा है। तुम ठीक हो, बहाने मत बनाओ। आरसी, मुझे तुम्हारे दोस्त के खोने का बड़ा अफसोस है। तुम क्या जानो किसी को खोने का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि परेशानियां सिर्फ तुम्हारे पास है? तुम्हें सिर्फ लड़कियों के ख्याल परेशान करते होंगे। वैसे भी जब से तुम मिली हो उनके ख्याल भी भयानक लगने लगे हैं। नहीं, मेरी मॉम है। जैक, मॉम, देखिए घबराइए मत, मैं समझाता हूँ। मुझे समझाओगे? जैक्सन, मैंने तुम्हें मना किया था ना? हाँ, जानता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। जब तक तुम घर नहीं आते मुझे टेंशन रहती है। मुझे और डराने के लिए अब तुम बाइक ले आए। मैं 16 साल का हूँ, कब तक साइकिल चलाता रहूंगा? और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सेकंड हैंड है, देखिए खराब कंडीशन की है, बहुत कुछ रिपेयर करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैंने ये हेलमेट खरीदा था तब मैं बच्चा था, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ। आप ही तो कहती हैं जिम्मेदारी से फैसले लिया करो, तो देखिए मैंने ये फैसला किया है और मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, लेकिन इसे लाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? यूं समझ लीजिए कि ये मुझे यहाँ ले आई। चलो, अब वो बेकार पड़ा हेलमेट तो कुछ काम आएगा और तुम उसे हर रोज पहनोगे। और सुनो, कभी कभी मुझे भी घुमाने ले जाना, समझे? देखेंगे, अगर मेरी बाइक का मूड हुआ तो। पागल हो गई हो क्या? मॉम की नींद क्यों खराब कर रही हो? जल्दी हेलमेट पहनो, हमें चलना होगा। हाँ, आज सैटरडे है। बेस पर पहुंचकर बम्बलबी के साथ कार्टून्स देख लेना। कार्टून्स देखना, मैं 16 साल का हूँ। और अपनी मॉम के लिए नोट छोड़ देना वरना वो परेशान होंगी। अब से कोई भी ऑटोबॉट दखलंदाजी करके आपको परेशान नहीं करेगा लॉर्ड मेगाट्रॉन, क्योंकि ऑप्टिमस तो अब रहा ही नहीं। इस बात का क्या सबूत है कि वो मर चुका है? मैंने अपने हाथों से उस माइन को उड़ाया है। ऑप्टिमस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हजारों लड़ाइयों के बाद भी वो आज तक जिंदा है। आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे डर है कि ज्यादा देर तक डार्क एनर्जॉन के करीब रहने से आपको कोई नुकसान ना हो जाए। या ये भी हो सकता है कि मुझे इसके और करीब जाना ही चाहिए। रुकिए, लॉर्ड मेगाट्रॉन, नहीं, स्पार्क चैम्बर के पास ऐसा मत कीजिए, इसका नतीजा जानलेवा हो सकता है। इस चीज में जो एलिमेंट्स मिले हैं उन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है तभी आरसी पर इतनी जल्दी असर कर गया। बदकिस्मती से सही टूल्स ना होने की वजह से नतीजे देर से मिलेंगे। काश बल्कहेड ने उसे तोड़ा ना होता।